यह थाईलैंड का शहर बैंकॉक है और लोग इस शहर को गुनाहों का शहर समझते हैं। तो इस वीडियो में इस शहर की पूरी कहानी है। आप वीडियो को आखिर तक देखिए और अपना फैसला खुद कीजिए कि क्या वाकई ये गुनाहों का शहर है या नहीं, और अपना फैसला मेरे साथ कमेंट में शेयर कीजिए। मैं भी अपना फैसला इस वीडियो के आखिर में आपको सुनाने वाला हूँ। तो इससे पहले कि मैं इस वीडियो का बाकायदा आगाज करूं, सबसे पहले मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूं, और आपने इस शहर में दाखिल होने से पहले उस पर अमल ज़रूर करना है। सबसे पहली बात, आपने टिकट, कोविड वैक्सीन, करेंसी डिक्लेरेशन फॉर्म और होटल बुकिंग चारों का प्रिंट आउट ले लीजिए। इमिग्रेशन का अमला आपसे किसी भी चीज़ का डिमांड कर सकते हैं। एयरपोर्ट के अंदर सामान ले जाते वक्त किसी की मदद मत कीजिए, चाहे वो बूढ़ा क्यों ना हो, चाहे वो औरत क्यों ना हो, चाहे वो कोई हसीना क्यों ना हो, मत कीजिए, फंस जाओगे। जहाज़ की टेक ऑफ करते वक्त आपको ऐसा लगेगा कि आपके वजूद का आधा हिस्सा ऊपर जा रहा है और आधा हिस्सा नीचे जा रहा है, लेकिन मेरे भाई आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, इट्स ओके, ये बिल्कुल नॉर्मल है। और कभी कभार 7.5 का जलजला भी आता है जहाज़ में, इट्स ओके, ये बिल्कुल नॉर्मल है, मेरी तरह डरने की ज़रूरत नहीं है। और टेक ऑफ से लैंडिंग ख़तरनाक होती है तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा झटका लगेगा, लेकिन खान साहब का जुमला आपने याद रखना है कि सबसे पहले आपने घबराना नहीं। थाईलैंड आते वक्त आपको शूज़ पहनने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि ऐसा ओपन चप्पल पहन लीजिए, इस ये कंफर्टेबल है और इसमें आपको गर्मी भी महसूस नहीं होगी। आपकी शर्ट का कलर सफ़ेद, स्लीवलेस और हल्का पुल्का होना चाहिए, ठीक है जी, मेरी तरह बेवकूफ़ बनने की ज़रूरत नहीं है। सबसे अहम बात, अगर आप पाकिस्तान से हैं, अफ़गानिस्तान से हैं, इंडिया से हैं, तो मेरे भाई थाईलैंड में आपको खाना नहीं मिलेगा। यहाँ पर खाने में इतना गंदा स्मेल है ना कि वो आपके हल्क से नहीं उतरेगा, ठीक है, यहाँ का खाना आपके लिए बिल्कुल नहीं है। पाकिस्तान में मैंने कुछ लोगों से सुना था, कुछ बर्गर बॉयज़ थे, उससे मैंने सुना था कि यार आई लव थाई फूड्स और मुझे थाई फूड्स बहुत पसंद है। मेरे भाई ऐसे लोगों को ना मेरी तरफ से कान की नीचे एक लगाओ, पता नहीं वो फैशन के लिए ऐसा बोलते हैं, क्यों बोलते हैं ऐसा। इन लोगों की वजह से मैंने खाने के ऊपर रिसर्च नहीं की, और अभी 36 घंटे हो गए हैं कि मैंने यहाँ पर कुछ भी नहीं खाया है, यकीन करें भूखा फिर रहा हूँ ज़ोंबी की तरह, और कुछ मिल नहीं रहा खाने के लिए। तो आप यहाँ पर क्या खा सकते हैं वो अभी मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर आप अपना कुकिंग कर सकते हैं, मैकडोनल्ड जा सकते हैं, KFC जा सकते हैं, इंडियन रेस्टोरेंट आपको मिल जाएंगे यहाँ पर, पाकिस्तानी रेस्टोरेंट मिल जाएंगे, लेकिन हर जगह नहीं, बहुत दूर है, एक दूसरे से 20-20 किलोमीटर, 30-30 किलोमीटर दूर है, हर जगह नहीं मिलेंगे लेकिन मिल जाएंगे आपको। और या आप मेरी तरह कर सकते हैं, जिस तरह की अभी मैं 36 घंटों से सिर्फ़ और सिर्फ केले और पीनट खा रहा हूँ, बस पीनट भी मतलब ऐसी पीनट है कि खाने के काबिल नहीं है, और केले भी ऐसे केले हैं जो खाने के काबिल नहीं है, बस क्या करें, ज़िंदा तो रहना है, कुछ ना कुछ तो खाना है, तो मैं खा रहा हूँ। अभी अभी मुझे यहाँ पर KFC का रेस्टोरेंट मिल गया है और मैं वहाँ पर गया भी, लेकिन यकीन करें मैंने कुछ भी नहीं खाया। उसकी वजह यह है कि जब मैं वहाँ पर बैठता हूँ खाने के लिए, मुझे वही इन लोगों के एलिगेटर वगैरह वो जो कुछ खाते हैं वही याद आता है। तो अभी मैं ढूंढ रहा हूँ कोई इंडियन रेस्टोरेंट जहाँ पर मुझे दाल मिल जाए, साफ़ सुथरा चावल मिल जाए, इस तरह का कुछ मिल जाए तो मैं खा सकूँगा। यकीन करिए अब मैं चिकन भी नहीं खा सकता, जब मैं चिकन देखता हूँ ना मुझे वही इनकी चीज़ें याद आती है। तो मेरे इन बातों पर अमल कीजिए ताकि जो कुछ मेरे साथ हुआ वो आपके साथ ना हो। और अगर आपको मेरा गाइडेंस अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यकीन करें 3 साल के YouTube में मैं पहली बार आपसे कह रहा हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। इसकी वजह यह है कि पहले मेरा चैनल था तकरीबन 3 लाख सब्सक्राइबर का, और मेरी मत मारी गई थी कि मैंने नया चैनल स्टार्ट किया। मैंने ये सोचा इंटरनेशनल ट्रैवल के लिए अलग से चैनल बनाता हूँ, सेपरेट चैनल बनाता हूँ, और अभी वो चैनल तकरीबन 5000 सब्सक्राइबर पर है। तो मेरे भाई प्लीज़ हेल्प कीजिए, सपोर्ट कीजिए ताकि ये चैनल भी ग्रो हो सके। ये मैं ज़िंदगी में पहली बार कह रहा हूँ, तो प्लीज़ इस पर अमल ज़रूर कीजिए। यह है बैंकॉक।
थाईलैंड का कैपिटल और थाईलैंड का सबसे बड़ा शहर है। इस शहर में देखने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन सबसे पहले इस शहर के मालिक और बाबा जी को सलाम करते हैं। तो इसलिए अभी सबसे पहले बाबा जी के पास जाएंगे और बाबा जी को सलाम करेंगे और उसके बाद इस शहर में आवारागर्दी शुरू करेंगे। तो चलिए जी, बाबा जी के पास चलते हैं। यहाँ पर मेरे ख्याल से टिकट लेना पड़ता है, तो सबसे पहले यहाँ पर टिकट लेंगे। हाउ मच इज द टिकट? 200 बात। थैंक यू। अच्छा जी, तो टेंपल के अंदर दाखिल हो चुका हूँ, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे टेंपल है, एक भी नहीं, दो भी नहीं, पांच भी नहीं, बल्कि मेरे ख्याल से 100 से ज़ायद है। अब यहाँ पर क्या क्या देखना है, इसकी हिस्ट्री क्या है, इसकी तारीख क्या है, तो अभी तो मुझे पता नहीं है कुछ भी, लेकिन मैं आपको वॉइस ओवर में बताता हूँ। इंजॉय कीजिए। ये थाईलैंड में बुद्ध मत का सबसे बड़ा इबादतगाह है और इस इबादतगाह का नाम है वाट पो। यहाँ पर बुद्धा का सबसे बड़ा मुजस्सिमा है। इसके दरवाजे पर एक बाबा जी का मुजस्सिमा है और ऐसा लगता है जैसे कि ये यहाँ का चौकीदार हो। इस इबादत खाने के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे टेम्पल हैं और हर टेम्पल का अपना मीनार है। असर के टाइम यहाँ पर बहुत सारे टूरिस्ट होते हैं और ये टूरिस्ट मुख्तलिफ कंट्रीज से आते हैं, बल्कि दुनिया भर से आते हैं। एंट्री की फीस 200 बात है। टिकट के साथ एक बोतल पानी फ्री में मिलता है। टेम्पल के अंदर एक मुजस्सिमा है और ये मुजस्सिमा तकरीबन 500 मन सोने से बनाया गया है। लोगों के मुताबिक पूरी दुनिया में ये बुद्धा का सबसे बड़ा और महंगा मुजस्सिमा है। इस मुजस्सिमे को बुद्धा के आखिरी वक्त में बनाया गया था। इस मुजस्सिमे को आप देख सकते हैं कि बुद्धा एक साइड पर लेटा है, चेहरे पर इत्मीनान है और एक हाथ बतौर तकिया अपने चेहरे के नीचे रखा है। याद रखिए कि थाईलैंड में बुद्धा का स्टेटस खुदा का है, तो इसका नाम एहतराम से लीजिए, वरना आप बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ सकते हैं। इस टेम्पल के अंदर जगह जगह चंदा बॉक्स रखे हैं और यहाँ के लोगों का अकीदा है कि अगर आप इसमें चंदा डालते हैं तो आपकी दौलत में इजाफा होता है, खुदा आपसे खुश होता है और आपके मसाइल हल हो जाते हैं। लेकिन भाई साहब, मैं तो यहाँ से निकलते ही एक बड़े मसले में फंस गया। अच्छा जी, बाबा जी का दीदार भी हो गया, बाबा जी का सलाम भी हो गया, सब कुछ हो गया, लेकिन लगता है बाबा जी को हमारा आना पसंद नहीं आया। जैसे ही मैं वहाँ से निकल आया ना, मेरे चप्पल टूट गई। अब मैं पैदल तो जा नहीं सकता, तो ये भाई साहब मुझे मिल गया। ये पता नहीं इसका नाम क्या है, आई डोंट नो, लेकिन बहुत अच्छा बंदा है। मैंने सिर्फ रिक्वेस्ट की कि यार मुझे ले जाओ कहीं पर भी जहाँ पर मुझे चप्पल मिल सके, किसी शॉपिंग मॉल में ले जाओ, कहीं पर भी ले जाओ, लेकिन प्लीज़ मुझे यहाँ से ले जाओ। तो भाई साहब ने मेरा रिक्वेस्ट कबूल किया और अभी मुझे ये लेके जा रहा है। अब पता नहीं ये मुझे कहाँ लेके जा रहा है, लेकिन मैंने इसे कहा है कि किसी शॉपिंग मॉल ले जाओ ताकि मैं अपने लिए जूते ख़रीद सकूँ, कोई चप्पल वगैरह अपने लिए ख़रीद सकूँ। अब ये भी मुझे घुमा रहा है, पता नहीं कहाँ लेके जा रहा है यार। Do you understand my language? भाई साहब पता नहीं क्या कह रहे हो यार। हटो भाई साहब, हटो 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 हटो। शॉपिंग मॉल। हाँ, प्लीज स्टॉप। चलो ये एक मिल गया, आप देखते हैं कि इसके। आप इंडिया से हो? हाँ, नेपाल से हो? अच्छा अच्छा। ओ मेरे भाई, मेरे पांव देखो और ये देखो, ये तो बहुत नाजुक है। मेरे ख्याल से ये लेडीज़ भी है। नहीं नहीं, लेडीज़ तो है, लेकिन मेरी तरह बंदे को देखो ना यार, एक तो ये तो एक दिन भी नहीं निकाल सकता यार, एक दिन में ये ख़त्म हो जाएंगे। मजबूत चप्पल दे दो इसकी तरह, नहीं होंगे मजबूत।
नहीं वो भी नाजुक है ना, वो भी बहुत नाजुक है। कहाँ मिलेंगे ये इस तरह? ये कौसन रोड पे। कौसन रोड पे मिल जाएंगे? मिल जाएंगे, लेकिन वहाँ पर मेरे ख्याल से बहुत महंगे होंगे यार। कौसन रोड बहुत महंगा है, दो रुपये की चीज़ 10 रुपये में मिलती है ना। सस्ते कहाँ मिलेंगे यार? ऐसे बात ना किया करो यार। MBK चली जाओ। हाँ MBK सेंटर। MBK कहाँ पर है? बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम। बहुत मस्त बंदा है यार, मस्त बंदा है, मस्त। पता नहीं ये कहाँ से आ गया, मैंने इसको कुछ कहा भी नहीं, शायद बाबा जी ने भेजा है इसको। यहिया खान के पास जाओ, इसकी चप्पल टूट गई है। ओह जस्ट अ मिनट, ठीक ओके ओके, हाय मेरे ख्याल से और फाइनली जनाब मैं थाईलैंड के सबसे बड़ी और खूबसूरत शॉपिंग मॉल पहुंच गया हूं। इस शॉपिंग मॉल का नाम है MBK। शॉपिंग मॉल में दाखिल होने से पहले काफी कंफ्यूज और नर्वस हूं कि पता नहीं आप क्या होगा, चप्पल कितने में मिलेंगे। और ये सिर्फ मेरा नहीं बल्कि हर मिडिल क्लास बंदे का मसला है कि हम ऐसे बड़े बड़े शॉपिंग मॉल को पहले तो अवॉइड करते हैं और अगर जाना ज़रूरी हो तो बहुत हिचकिचाते हैं, शर्माते हैं और ऐसा लगता है कि मेरा ताल्लुक इस जगह से नहीं। अंदर जाने के बाद देखा तो एक से बढ़कर एक ब्रांड और लोग भी हाई फाई। थाईलैंड के सफर करते हुए मैंने बहुत कुछ जिंदगी में पहली बार देखा। जिंदगी में पहली बार एयरपोर्ट देखा, जिंदगी में पहली बार इतना बड़ा जहाज देखा, जिंदगी में पहली बार जहाज में सफर किया और जिंदगी में पहली बार इतना बड़ा शॉपिंग मॉल देखा। शॉपिंग मॉल के अंदर एक चप्पल की कीमत 2500 बात है, मतलब 25,000 पाकिस्तानी रुपया, और इस कीमत पर मैं पाकिस्तान में एक दर्जन चप्पल खरीद सकता हूं। मेरी खुशकिस्मती थी कि मुझे ये चप्पल 300 बात में मिले, मतलब 3,000 पाकिस्तानी रुपया में मिले। शॉपिंग मॉल के अंदर सब कुछ महंगा था, वहां पर एक चीज बहुत सस्ता महसूस हुआ और वो था यहिया खान। गुड मॉर्निंग दोस्तों, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। अल्हम्दुलिल्लाह सुबह हो चुकी है और कुछ ज़्यादा हो चुकी है, तकरीबन अब इस वक्त 11 बज रहे हैं और मैं एक जगह जाने वाला हूँ। जगह का नाम मैं आपको नहीं बताऊँगा बल्कि बाद में आपको दिखाऊँगा, लेकिन सबसे पहले मैं आपके साथ अपने होस्ट की बात करना चाहता हूँ। मेरा जो होस्ट है, जो मुझे काउच सर्फिंग से मिला था। काउच सर्फिंग अगर आप नहीं जानते तो आप थोड़ा सा यूट्यूब पर सर्च कीजिए कि काउच सर्फिंग है क्या। तो ये होस्ट मुझे काउच सर्फिंग से मिला था। आज मेरा तीसरा दिन है और मैंने अपने होस्ट से रिक्वेस्ट की कि अगर मैं 2-3 दिन में मज़ीद अगर रहना चाहूँ तो आपको कोई एतराज़ तो नहीं है, और यकीन करें उसने कहा मुझे बिल्कुल एतराज़ नहीं है, आप 10 दिन भी रह सकते हैं, 15 दिन भी आप मेरे पास रह सकते हैं। और इतने शानदार अखलाक वाला बंदा है ना कि मैं आपको बता भी नहीं सकता। ये कुछ लोग होते हैं ना अल्लाह के दोस्त होते हैं, और ये बंदा भी जो है ना मुझे उन्हीं लोगों में से लगता है, ज़बरदस्त बंदा है। काश मैं आपको उनसे मिलवाता, लेकिन मसला ये है कि वो कैमरे के सामने कंफर्टेबल नहीं है, तो इस वजह से मैं जो है ना आपसे मिलवा नहीं सकता वो, वरना आप देखते उसकी बातें सुनते आप यकीन करें आपका दिल खुश हो जाता, इतना ज़बरदस्त बंदा। तो इससे पहले कि मैं अभी अपनी आवारागर्दी का आगाज़ करूँ, मुझे सबसे पहले कोकोनट वाटर पीना होगा। उसकी वजह यह है कि बैंकॉक में धूप बहुत ज़्यादा है, गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो आप जब भी अपनी सुबह का आगाज़ करते हैं ना यहाँ पर बैंकॉक में, तो कोकोनट वाटर से कीजिए। नाश्ता करना है नहीं करना वो आपका अपना काम है, लेकिन कोकोनट वाटर आपने सुबह सुबह ज़रूर पीना है, वरना आप डिहाइड्रेट हो जाएंगे और अपने होटल में पड़े रहेंगे, ठीक है, आपके पाँव में दम नहीं होगा, और जब पाँव में दम नहीं होगा तो फिर सारा दिन फेसबुक पर और इंस्टाग्राम पर लड़कियों की रील्स देखोगे,
और अगर लड़कियों की रील्स ये देखना है तो भाई साहब अपने घर में देखिए, थाईलैंड आने की क्या जरूरत है। ओके, तो कोकोनट वाटर पीना बहुत जरूरी है। ये जो कोकोनट वाटर है ना, ये हमारे पिशावर में अवेलेबल नहीं है, ठीक है। और ये मैंने पहली बार मुन्ना भाई MBBS एक मूवी है उसमें मैंने देखा था, ठीक है। वो जो एक लड़का होता है ना, वो प्रोफेसर के लिए बार बार कहता है कि कोकोनट ले लो, कोकोनट ले लो, मैं आपके लिए कोकोनट बनाता हूँ। तो वहाँ पर मैंने कोकोनट देखा था पहली बार, और मैं हमेशा सोचता था यार इसका जायका पता नहीं कैसा होगा, लेकिन आज पहली बार पीने को मिल रहा है और काफ़ी ज़बरदस्त चीज़ है, हेल्थ के लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। कोकोनट मैंने वो जो सामने दुकान है मैंने वहाँ से लिया, और अभी यहाँ पर एक छोटा सा ढाबा है, होटल है, मैं यहाँ पर बैठा हूँ, ये पी रहा हूँ। और होटल की जो मालकिन है, जो माजी है, जो एक बूढ़ी औरत है, वो मुझ पर चीख रही है कि आप यहाँ पर क्यों बैठे हो, दुनिया है यार, अजीब अजीब किस्म के लोग आपको मिलते हैं। अब ये लोग ना इंग्लिश समझते हैं, ना जो है ना मुझे जो है ना थाईलैंड की ज़ुबान आती है, और ना मैं इनसे कहता कि मैं अगर आपकी कुर्सी पर बैठ गया यहाँ पर और मैंने एक कोकोनट वाटर पी लिया तो क्या हुआ, कौन सी कयामत आ गई। लेकिन माजी है, इतना सा दिल है बस इसका, बार बार कह रहे कि क्यों बैठे हो, दुनिया है, आप किस्म के लोग मिलते हैं। मेट्रो में सफ़र करते हुए दो चीज़ों को मैंने नोट किया, एक अच्छा लगा, दूसरा बुरा। अच्छा ये लगा कि यहाँ पर हुकूमती अहलकार बहुत रहमदिल है, इज्जत से बात करते हैं, आपका मसला हल करने के लिए बेताब रहते हैं, कुर्सी पर टेक नहीं लगाते, एक बात 10 बार पूछो एक्सप्लेन करते हैं। मेरे मुल्क में तो गरीब इंसान के लिए चपरासी भी फिरौन होता है। और बुरा ये लगा कि यहाँ पर इंसानों के अंदर फासला बहुत ज़्यादा है, सफ़र करते वक्त एक दूसरे की तरफ देखना भी गवारा नहीं करते, बस अपने काम से काम रखते हैं। पाकिस्तान में सफ़र करो तो साथ बैठा हुआ शख्स आपके साथ गपशप लगाएगा कि क्या करते हो, आपके कितने बच्चे हैं, कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, और बहुत सारे पर्सनल सवाल करेंगे। हो सकता है पर्सनल सवाल करना आपको अखलाकी लिहाज से अच्छा ना लगे, लेकिन मुझे अच्छा लगता है, अपनाइयत का एहसास होता है और ज़िंदगी अच्छी गुजरती है मेरे भाई। इंसान के अंदर अखलाक होने चाहिए, तहजीब होने चाहिए, लेकिन ऐसे अखलाक का क्या जो इंसान को इंसान से दूर करे और अपना दुख दर्द एक दूसरे को बयान ना कर सके, ऐसे अखलाक का अचार डालना है यार। तो मेरे भाइयों, मैं अपनी मंजिल पहुँच गया हूँ और इस जगह का नाम है कोलांगबांग, ठीक है। यहाँ पर सारे के सारे नाम ऐसे ही है, लेकिन अगर इंग्लिश में मैं आपको बताऊँ तो इस जगह का नाम है फ्लोटिंग मार्केट। यहाँ पर आगे एक नदी है, नदी के ऊपर लोग मार्केट है छोटा सा, और वहाँ पर चीज़ें बेचते हैं। तो मैं वहाँ पर जाऊँगा और वो जगह आपको दिखाऊँगा, काफ़ी अच्छी जगह है। और इससे पहले कि आप कमेंट्स में मुझसे ये पूछें कि भाई ये क्या है, तो मेरे भाई ये आज का खुराक है। जब से मैं यहाँ पर आया हूँ ना, हम ऐसे ही खाते हैं। ये बंद गोभी की चंद पत्ते हैं और एक अमरूद का दाना है, और फिर आगे जाऊँगा अगर कुछ और मिल गया वो लूँगा, एक दो आदद अंडे लूँगा, और फिर KFC जाऊँगा, वहाँ से अगर थोड़ा सा किचन चिकन मिला, चिकन को मैंने किचन बनाया, KFC जाऊँगा तो वहाँ पर मुझे अगर कुछ मिला तो वो लूँगा, तो हमारा डिनर बन जाएगा। तो इस तरह हम जो है ना अपना खाने की ज़रूरत हम इस तरह पूरा करते हैं। यहाँ पर अगर इनके होटलों में जाएंगे ना, थाईलैंड वालों के होटल में, तो मेरे भाई 2 दिन आपकी हलक से खाना नहीं उतरेगा। और अभी मुझे एक और कमाल की चीज़ मिल गया, वो भी मैं अपने डिनर में शामिल करता हूँ। तो आइए मैं आपको भी दिखाता हूँ, काफ़ी अच्छी चीज़ है। खाने के मामले में मेरा नज़र बहुत तेज़ है यार, इसलिए तो पेट इतना बड़ा हो गया ना।
ये देखिए जनाब, काफ़ी कमाल की चीज़ है, साफ़ सुथरी, और यहाँ पर बदबू भी नहीं है जो उनके होटल वगैरह पर होती है। ये है जनाब चिकंदर, और ये भी चिकंदर का एक किस्म है। जो भी है, ज़बरदस्त चीज़ है, ज़बरदस्त किस्म की कार्बोहाइड्रेट्स होती है इसमें, और काफ़ी मिनरल विटामिन भी आपको मिलती है, तो आप ये खा सकते हैं। हाउ मच? 20 टू 1 and 2। लो जनाब, ये गोरा देखो, गोरा भी यही खरीद रहा है। ये बेचारा भी थाईलैंड के होटलों का सताया हुआ है, ये भी यहाँ पहुँच गया। नहीं, गोरा नहीं है, थाईलैंड ही है यार। हाँ, थाईलैंड ही है, हर गोरा अंग्रेज नहीं होता। हाँ, वन और वन ये भी दे दो। Well, it is tough. You know, COVID, no COVID. हमारे ऊपर कोविड असर नहीं करता चाचे, फिक्र ना करें। एक तो इनकी बात में बरकत बिल्कुल नहीं है। ये लो आंटी जी, बैंकॉक में फ्रूट आपको ऐसे मिलते हैं, ये देखिए कटे हुए फ्रूट। हमारे पिशावर में भी होते हैं, लेकिन उसका स्टाइल थोड़ा सा अलग होता है। तो लो जनाब, यहाँ से फ्लोटिंग मार्केट शुरू हो जाती है, और अल्लाह करे कि मार्केट खुला हो। उसकी वजह यह है कि ये लोग जुम्मे के दिन, मतलब दोपहर के बाद छुट्टी करते हैं, और फिर 2 दिन इनकी छुट्टी होती है। ओहो, मैं तो यहिया खान को बहुत अच्छा बाइकर समझता था, ये तो हमारा भी बाप निकला यार। काफ़ी चढ़ाई है यहाँ पर, फिर भी निकल गया। अच्छा जी, तो ये है वो मार्केट, और वही हुआ जो मैंने कहा था कि बहुत सारे दुकान जो है यहाँ पर बंद है, खामोशी है यहाँ पर, क्योंकि छुट्टी है भाई साहब, छुट्टी है। हेलो चाचा जी, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक हो? अच्छा जी, इसके अंदर कश्ती भी है, वाह। सब के सब गोरे बैठे हैं। ओह, इस जगह का नाम है फ्लोटिंग मार्केट। ये थाईलैंड का पुराना चेहरा है जो यहाँ के लोगों ने संभाल के रखा है। ये जगह दरअसल एक झील है, झील साफ सुथरा है। इसके दरमियान में आपको जगह जगह मछली नजर आएंगे। झील के अंदर लकड़ियों की सतून है जिसके ऊपर घर बने हैं, और हर घर सीढ़ियों के जरिए एक दूसरे के साथ कनेक्ट है। रास्तों के साइड खूबसूरत और मुख्तलिफ गमलों से सजाए गए हैं। दरमियान में छोटे साइज की कश्तियाँ चलती हैं जिसमें गोरे बैठकर खुशी से नहाल है। हर घर के सामने दरिया की तरफ एक बालकनी है जिस पर यहिया खान बैठा अपनी ज़िंदगी को एंजॉय कर रहा है, और या अल्लाह तेरा शुक्र है। अभी मैं आपको जहाँ लेकर जाने वाला हूँ ना, यकीन करें आप एकदम हैरान रह जाएंगे। वो क्या कहते हैं, दंग रह जाएंगे। वहाँ के लाइट्स देखकर, मतलब उसके लाइट्स बिल्कुल नेक्स्ट लेवल के हैं। और ये एक जगह है बैंकॉक में, उसका नाम है चाइना टाउन, ठीक है। और वहाँ की जो नाइट लाइफ है, जो नाइट में जो लाइट्स लगती हैं, उसके लिए खसूसी तौर पर लोग दूर दूर से आते हैं। और आप यकीन कीजिए, मुझे लाइट्स वगैरह इतने पसंद नहीं है, मैं नेचुरल ब्यूटी लवर हूँ, मुझे नेचुरल ब्यूटी बहुत अच्छी लगती है, ऐसी जगह मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। लेकिन हमेशा मैं अपना पसंद थोड़ी करूँगा, कभी कभार तो मुझे आपका ख्याल भी रखना पड़ता है, ठीक है ना जी। आप जो सपोर्ट कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, वीडियो को शेयर कर रहे हैं, आइए अभी चलते हैं वहाँ पर। व्हाट्सअप? कूल मैन, हाउ आर यू? आई एम कूल। गुड। यू फ्रॉम वेयर? आई एम फ्रॉम पाकिस्तान। ओह, दैट्स कूल। Where are you from? From South Africa. South Africa? Yeah. Cape Town? Johannesburg. Oh, it's very beautiful. Yeah. Have you been there before? No, I'm coming. You are coming? I'm a blogger. Okay. YouTube blogger. Okay. Yeah. I'm coming very soon. Yeah, that's good. It's a beautiful country. Very beautiful.
Okay. You are welcome. Thank you. Thank you. Thank you. What's your name? I'm Sash. S-A-A-H. Ah, Sash. And what's your name? Michael. Michael. Yeah. Thank you, sir. My pleasure. Nice to meet you. Yeah. कहते हैं ना, जो दिखता है वो बिकता है। यहां पर भी वही फार्मूला अप्लाई किया गया है। ये बच्चियां जो यहां पर क्रिसमस के गाने गा रहे हैं, ये दरअसल इस्माइल की तरफ लोगों को मुतवज्जे कर रहे हैं। ये चाइना टाउन है, बैंकॉक में रोशनियों की वजह से बहुत मशहूर है। इसके साथ काउसन रोड है, जो उल्टे सीधे कामों के लिए मशहूर है, और इसी वजह से इस शहर को गुनाहों का शहर समझा जाता है। मैं इस शहर को गुनाहों का शहर नहीं समझता, क्योंकि यहां पर सिर्फ एक गुनाह होता है और वो है जिस्म फरोशी। और जिस्म फरोशी से आज तक दुनिया का कौन सा शहर महफूज है? असल गुनाहों का शहर तो वो है जहां पर बच्चों के साथ रेप किया जाता है, जहां पर कानून सिर्फ गरीब के लिए है, जहां पर सबसे सस्ती चीज इंसान का खून है, जहां का अफसर तो छोड़ो चपड़ासी भी फिरौन है, जहां मस्जिद में इंसानों को बम से उड़ाया जाता है, जहां पर सच बोलने वालों से नफरत किया जाता है। इसलिए मैं उस मुल्क का नाम भी नहीं ले सकता। थाईलैंड तो लैंड ऑफ स्माइल है, जहां पर दुनिया का हर मुसाफिर हर वक्त हर जगह महफूज है।